वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई देखो, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर आया महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक एस। ठीक है, तो भाई तुम्हारे भाई ने आप लोगों के सपोर्ट के साथ, ये भाई लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा तो मैं तुम्हारे भाई ने खरीद लिया, मतलब तुम्हारे भाई ने लास्ट ब्लॉग में देखा हो, डिलीवरी ले चुका हूँ इसकी मैं। ठीक है, तो भाई इसके तो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा वीडियो से भाई एस महिंद्रा क्लासिक ही क्यों एन क्यों नहीं। तो भाई देखो, पहली चीज़ तो भाई देखो, मेरे को महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक मेरे को भाई यही अच्छी लगती है, मेरे को एन नहीं पसंद आती। और भाई इसी गाड़ी का असली भोकाल है, ये देख लो भाई इतनी बड़ी बॉडी है ना भाई इसकी। बाकी देखो भाई एस में मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा इसमें क्या आता है क्या नहीं आता। फिलहाल के लिए देखो भाई, ब्लैक कलर की गाड़ी ली है, गाड़ी भाई मेरे को ऑन रोड पड़ी है 16.5 लाख रुपए की। ठीक है, तो अब आपको इसमें बताता हूँ भाई 16.5 लाख रुपए खर्चना वर्थ है कि नहीं है। ठीक है, और भाई इसमें दो ही मॉडल आते हैं, एक क्लासिक एस आता है और एक क्लासिक एस 11 आता है। ठीक है, तो दो ही मॉडल आते हैं, तो एस 11 और एस में क्या फ़र्क है मैं आपको वो भी बताता चलूँगा। ठीक है भाई, साथ में साथ तो भाई सबसे पहले देखो भाई, शुरू करते हैं भाई इसकी की से। ये तो भाई इसकी की कुछ यूँ मिलती है, देखो फ्लिप की है, बट इसमें देख लो दोनों चाबी दिखा देता हूँ, देखो कुछ नहीं है भाई इसमें। तो भाई ये बोल सकते हो आप खोखली चाबी, तो इसमें भाई सेंटर लॉकिंग नहीं आती। ठीक है भाई, कोई सेंटर लॉकिंग नहीं आती, बाकी बस यही है भाई फ्लिप की दे देते हैं आपको, बाकी यहाँ पे क्रोम वगैरह का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट से। देखो भाई हेडलाइट में देखो, यहाँ भी देखो अपने को हेलोजन मिलता है, यहाँ भी हेलोजन मिलता है। ठीक है, कोई प्रोजेक्टर वगैरह नहीं मिलता इसमें। सामने जो ग्रिल है देख लो भाई, पियानो ब्लैक में दे रखी है। बाकी जो एस 11 में जो आती है उसमें भाई प्रोजेक्टर आता है, और यहाँ पे DRL आती है। देखो यहाँ पे जो क्रोम का यूज़ किया हुआ है ना, मतलब ये तो वहाँ पे भाई वो अपना DRL आती है, ये बाकी भाई पूरा क्रोम में आती है। ठीक है, और भाई देखो सामने से कहता हूँ, ये तो भाई देखो मैंने बॉडी पेंट करवा रखा है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ भाई, मैंने कंपनी से मतलब बॉडी ही पेंट पूरी करा रखी है। बाकी जो एस होता है, एस में आपको दिखा देता हूँ मैं क्या न्यू चीज़ आती है। देखो ये चीज़, तो ये चीज़ है ना, ये पूरी जितनी ग्लाइडिंग है इसकी, बॉडी ग्लाइडिंग जितनी है, हैंडल हो गया, पीछे के हो गया, बम्पर हो गया, रियर वाला और फ्रंट वाला दोनों, ये दोनों भाई इसमें आता है मैट में। बट इसको मैंने कंपनी से पेंट करवाया, तो इस वजह से आपको ये सेम मैच कर रहा है। देखो ये देखो, यहाँ देखो स्पार्कल्स वगैरह आपको दिख रहे हैं गाइस, ये देखो, और सेम ही भाई इसमें देखो ये है, तो सेम ही पेंट करवाया है ये। बाकी आप अगर वैसे लोगे तो उसमें भाई ये नहीं आता। ठीक है, प्लस ये देखो भाई, यहाँ ये देख लो भाई, जो आपने ये दिख रहा है ना सिल्वर सिल्वर, तो भाई इसमें ना एस 11 में टॉप मॉडल में अपने वही आती है जिसमें बोलते हैं DRL, तो यहाँ सामने DRL आती है। बाकी भाई ये देखो, यहाँ पे स्पेस इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह लगा सकते हो क्योंकि एस 11 फॉग लैंप आता है। ठीक है, बाकी तो और कुछ चेंज नहीं है, बाकी मतलब फ्रंट से तो कोई और चेंज नहीं है। साइड में आते हैं, देखो साइड में आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई ब्रिजस्टोन के इन्होंने टायर दिए हैं, टायर की प्रोफाइल मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 235/65R17, तो 17 इंच के इसमें भाई स्टील रिम आते हैं। ठीक है, और एस 11 में एलॉय आते हैं। ठीक है, बाकी भाई साइड से देख लो, बाकी यहाँ पे देखो भाई कोई फुट रेस्ट वगैरह नहीं आता यहाँ पे चढ़ने के लिए गाड़ी में। ठीक है, तो अपने को भाई वैसे चढ़ना पड़ेगा। बाकी ये तो भाई एसेसरीज का पार्ट है, आपको जो जो कराना है वो करा सकते हो। ठीक है, तो बाकी रियल में भी यही है। आ जाते हैं बैक प्रोफाइल में, तो भाई देख लो बैक प्रोफाइल कुछ यूँ है। तो भाई अभी आप लोग सोच रहे हो कि गाड़ी पूरी गंजी गंजी सी लग रही है, तो भाई वो आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो स्पॉइलर आता है इनका, यहाँ पे जो अपने एस 11 में आता है, इसमें नहीं आता। ठीक है, तो वो सब मतलब आफ्टर मार्केट आप लोग करा सकते हो, कंपनी से भी करा सकते हो, वो आपके पास स्कोप है, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या होता है। बाकी आप मेरे से जुड़े रहना, तो आगे आप देखते रहोगे, इसकी मॉडिफिकेशन मैं कराऊंगा। ठीक है, एक बहुत ही टेस्टफुल मॉडिफिकेशन कराऊंगा, आप लोग बने रहना, देखते रहना, और आप लोग कमेंट करके बताओ भी कि इसमें और क्या क्या कराना चाहिए मेरे को। ठीक है, तो पीछे से तो भाई हर चीज़ बिल्कुल सेम आती है, बस एक चीज़ का फ़र्क आता है, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एस है तो एस 11 आ जाएगा, बाकी भाई यहाँ पे कैमरा की फिटमेंट आ जाती है बस। बाकी दो सेंसर इसमें भी आते हैं, पार्किंग सेंसर दो ही इसमें आते हैं। ठीक है, बाकी भाई ये होते हैं जो अपने डमी होते हैं, ये वर्किंग नहीं होते, बट हाँ आफ्टर मार्केट आप इसको करा सकते हो। देखो जब आपको सबसे पहले भाई पीछे का इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ भाई, एक चीज़ ये देखो भाई, इसका तो थोड़ा सा करना चाहिए था यार महिंद्रा को, देख रहे हो, मतलब बहुत ही थर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया हुआ है। बाकी गत्ता देखो भाई, ये गत्ता ऐसे दब रहा है इसका, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें यूज़ कर रखी, मतलब कोई एकदम वो वैसे ही बना दी, बिल्कुल नहीं रफ एंड टफ, ये देखो भाई। तो भाई ये है इसकी थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो में भाई बहुत स्पेस है, देखो बूट स्पेस देखोगे ना, मतलब बंदा इसमें आराम से बैठ भी सकता है, मतलब दो बंदे इसमें आराम से बैठ जाए, दो तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं। बाकी भाई ये अपना देखो, मैं दिखाता हूँ इसे ओपन करके, तो ये देख लो, तो भाई अपने यहाँ से इसे सेट करके, तो यहाँ पे दो बंदे यहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग पाँच ही लोग ट्रैवल कर रहे हो तो भाई इसे आप बूट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो भाई अगर आप इसे यूज़ नहीं करोगे दोनों सीट, तो भाई बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है फिर इस गाड़ी का। ठीक है, आप लोग ये देख रहे होगे, देखो ये दिखाता हूँ, एक ये है और एक ये है। तो भाई महिंद्रा वालों की यही चीज़ है, ये खासियत देखो स्कॉर्पियो गाड़ी की, अगर आपको भाई अंदर से खोलिए ना बैठे बैठे गाड़ी, तो ये देखो इसे खींचोगे आप, और यहाँ देखो खुल गया ना भाई ये,
तो ये है। तो भाई आप लोग सोच रहे हो इसमें दो टंकी है, देखो एक इधर और दूसरी टंकी भाई देखो ये वाली है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो भाई दो टंकी क्यों है, क्योंकि भाई दो टंकी इसलिए क्योंकि देखो भाई ये डीजल। तो अब आपको पता गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से भाई अब जो है BS6 आ गई है, तो ये BS6 फेज टू है। तो भाई इसमें अपना लगता है एड ब्लू और इधर अपना लगता है डीजल, ठीक है। इस वजह से भाई इसकी दो टंकी है। तो चलो भाई आपको मैं दिखाता हूँ इसकी सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो में क्या क्या आपको मिलता है देखो, सबसे पहले भाई बात करता हूँ गेट की। तो गेट में देख लो भाई कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं, कप होल्डर भी नहीं मिलता, स्पीकर भी नहीं मिलते, ना स्पीकर की प्लेसमेंट है इसमें। और ये देख लो भाई ये हैंडल आपको मिलता है इसमें बस, और मेन चीज़ देखो पावर विंडो भी नहीं है। अब देखो भाई इसमें चढ़ने का, देखो भाई इसमें चढ़ने की बड़ी वो है जब तक अगर हम वो नहीं लगाते फुट रेस्ट अपना। तो भाई ये देख लो यहाँ पे दो आपको एसी कंट्रोल मिल जाते हैं। चार्जिंग सॉकेट का भाई इन्होंने जगह दे रखी है, बट वो यार वो है नहीं, आप लगवा सकते हो उसको भी। बाकी यहाँ पे भाई थोड़ी सी कोई स्पेस मिल जाती है बोतल वगैरह रखने के लिए। सेम भाई साइड है। बाकी भाई रूफ में देखो अपने को एक पीली लाइट दे देते हैं, सेम इधर एक पीली लाइट इधर दे देते हैं। तो भाई पीली पीली लाइट देते हैं, इन्हें भाई ने देनी चाहिए ब्लू वगैरह ऐसे कुछ देनी चाहिए, इन्हें पता है भाई कस्टमर का टेस्ट क्या है, फिर भी वही है कॉस्ट कटिंग करने के लिए भाई। तो भाई पीछे से देख लो सेकंड रो से भाई ये व्यू आता है भाई डैशबोर्ड का, ठीक है। और ये आप देख रहे हो बिल्कुल, ये देखो प्लेन भाई। तो भाई ये बिल्कुल ऐसी देते हैं भाई, बिल्कुल ड्रॉ गाड़ी, बिल्कुल मतलब खोखली गाड़ी देते हैं जिसमें कि भाई आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो अगर आप S ले रहे हो ना, तो आपको समझ लो S में आपको कम से कम 1.5 लाख 2 लाख तक का बजट जाएगा ही जाएगा, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी S11 में, ठीक है। बाकी किसी भाई को अगर शौक नहीं है तो वो अलग चीज़ है, बाकी तो मैंने आपको प्राइस का बता दिया। चलो भाई अब चलते हैं इसका ड्राइवर सीट पे, फिर वहाँ से जाता हूँ इसमें क्या क्या फीचर आते हैं क्या क्या नहीं आते, ठीक है। फीचर के लिए तो भाई देखो देखना मत, क्योंकि आपको पता है भाई स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो में फीचर इतने आते नहीं है। तो भाई मैं बाकी इंजन वगैरह आपको उसका दिखा देता हूँ, इंजन वगैरह में क्या है और क्या पावर देती है गाड़ी, वो सब आपको बताता हूँ अभी मैं। तो इसमें देख लो भाई सेम ही है डोर इसका और उसका जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें डोर में भाई ऐसा कुछ नहीं कि ड्राइवर के पास कंट्रोल्स होंगे। तो भाई आप लोग सोच रहे हो कि भाई इसकी पावर विंडोज़ कहाँ हैं, बंदा इसे कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ भी नहीं दिख रहा आपको कुछ। तो भाई ये देखो ये है भाई इसकी पावर विंडो, यहाँ देख रहे हो भाई बिल्कुल ओल्ड स्कूल बना दिया इन लोगों ने, जैसे अपने पहले ब्लेरो वगैरह में आता था तो वैसे ही दे रखा है इन्होंने भाई बिल्कुल सेंटर में। देखो उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, पीछे भी किसी ड्राइव मतलब किसी भी उसमें नहीं है, अपने डोर्स में नहीं आता, ठीक है। अब चलो इसके भाई आपको दिखाता हूँ इसके मैं मीटर कंसोल में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता भाई। ये देख लो भाई यहाँ पे देखो लाइट वगैरह आ जाती है, तो आपको अंधेरे में मतलब आसानी रहेगी। तो ये देखो भाई इसको दिखाता हूँ आपको मीटर कंसोल इसका, ये देखो भाई इग्निशन ऑन ही और ये अपना मीटर गया ऊपर, ऐसे करते हैं स्टार्ट। और भाई आवाज़ सुनना और वो चीज़ देखना चाहते हो भाई इसमें, जो कि ये लीवर पहले हिलता था, देखो नहीं पता चला ना भाई। तो भाई ये महिंद्रा अपनी चीज़ सुधार चुका है, जो पहले गियर लीवर ऐसे इनका हिलने लग जाता था ना, तो वो सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। बाकी भाई देख लो मीटर में भाई से क्या आता है, मीटर में से कुछ नहीं आता फिलहाल तो मैं आपको बता दूं। भाई देखो टॉप स्पीड गाड़ी की दिखा रखी है 180, तो जो कि भाई जान लेवा है इसमें, आप सबको पता भाई 120-130 से ऊपर फिर स्कॉर्पियो कंट्रोल से बाहर जाती है। बाकी देखो भाई अभी मेरा इसमें मैं अभी जज नहीं कर सकता इतना ज़्यादा, क्योंकि बाकी क्योंकि हमने औरों की वीडियो देख के उतारा, क्योंकि अभी तो मैंने कल ही गाड़ी ली है, तो जब तक इसे कहीं लंबा नहीं लिया था तब तक मैं इसका बता नहीं पाऊंगा कि भाई कैसा क्या इसका है नहीं है। बाकी ये देख लो भाई RPM इसमें 7000 तक आता है, मेरे ख्याल में इसमें भी लॉक करके रखते 3000 से ऊपर जाएगा नहीं। ये देखो भाई 3000 से इसमें RPM ऊपर जाता नहीं, क्योंकि भाई इसमें लॉक कर देते हैं हम। बाकी भाई देख लो अपना फ्यूल इंडिकेशन यहाँ आ जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर आता है, ये दिखा रहा है भाई टोटल किलोमीटर्स ट्रिप दिखा रहा है, और यहाँ कुछ आता नहीं है, बाकी बस यही है भाई इसमें। बाकी अगर कोई डोर वगैरह खुला होगा तो भाई वो देख लो यहाँ पे दिखा देगा बस। तो भाई ये बेसिक सा है, बिल्कुल बेसिक ओल्ड स्कूल एकदम। तो भाई यही है, आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ अगर आपको भाई फीचर चाहिए तो भाई देखो फीचर के लिए आप महिंद्रा XUV 700 में जा सकते हो या फिर N में जा सकते हो। अगर अगर आप क्लासिक लेते हो तो भाई इसमें फीचर मत देखना, बाकी भाई गाड़ी का इंजन देखो और गाड़ी के लुक देखो, गाड़ी की इस गाड़ी की जो बकवाल है ना मार्केट में वो देखो भाई इस गाड़ी में, भाई फीचर मत मांगना। और भाई देख लो मेन चीज़ आपको देखो सेंटर कंसोल दिखा दूँ, देखो कितनी प्यारी स्क्रीन लगा के दी है इन्होंने, आप लोगों को भी नहीं दिखी है, मेरे को भी नहीं दिखी है। तो ये देख लो भाई बिल्कुल डब्बा है भाई। बाकी भाई देखो AC इसमें ना मैनुअल आते हैं अपने, वही देख लो। बाकी ये है कि भाई AC का फ्लो अच्छा है, देखो आवाज़ से पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। बाकी भाई यहाँ देख लो लो हाई और ये अपना हैजार्ड लाइट है। बाकी भाई यहाँ पे एक सॉकेट मिला हुआ पूरी गाड़ी में, हम जाकर 12 वाट का एक सॉकेट दिया हुआ है इन्होंने भाई चार्जिंग वगैरह करने के लिए। बाकी भाई ये देखो छोटी सी स्पेस दे रखी है ये अपने मतलब कुछ पेपर वगैरह या फिर चाबी वगैरह रखने के लिए, ठीक है। बाकी भाई सेंटर में देख लो इन्होंने क्या दे रखा है, सेंटर में यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह है और थोड़ा सा मतलब ये हुआ है इसमें मतलब इसमें स्लिप नहीं करेगा फ़ोन, रबड़ है
बाकी भाई देखो चारों पावर विंडो आती है, मगर चारों कंट्रोल्स ड्राइवर के पास हैं। ये अपनी हैंड ब्रेक का यहाँ पे आता है, बाकी पता नहीं ये इसमें क्या ही रखेगा बंदा, ये मुझे भी नहीं पता, मगर थोड़ा सा स्पेस रहता है। बाकी भाई बात करते हैं भाई, इस गाड़ी का ग्लोव बॉक्स आपको दिखा देता हूँ। लो भाई इसका ग्लोव बॉक्स दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई बहुत बड़ा है भाई, कूल ग्लोव बॉक्स है देखो यहाँ पे। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसी है बस, ये इतना सा स्पेस मिलता है इसमें। तो भाई इन्होंने स्पेस की तो थोड़ी सी दिक्कत है गाड़ी में, मतलब सामान वगैरह रखने के लिए, वैसे बैठने के लिए नहीं है। देखो बैठने के लिए तो बंदा अपना बंदा फ्री होकर बैठा हुआ है, देखो भाई बंदा देखो अपने आलती पालती मार के बैठा हुआ है। ठीक है, तो स्पेस की इसमें दिक्कत वैसी ही नहीं है, बट सामान वामान रखने के लिए थोड़ा सा वो है। बाकी देखो इसमें भाई आप ना इसे S11 में कन्वर्ट करा दो, तो उसके बाद ही देखो भाई अभी ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, इसमें S11 में आती है भाई, यहाँ पे ना लाइटें वगैरह होती हैं। बाकी S11 भाई इसका जो मीटर है ना वो अपना ब्लू आता है, बहुत अच्छा मीटर लगता है उसका। इसमें भाई ये पीला पीला सा इन्होंने दे रखा है, तो बाकी वो तो हम देखेंगे। बाकी भाई देखो यहाँ पे ना ये देखो ये आपको मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा, S11 में आपको यहाँ पे तो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी भाई देखो फ्यूल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, मतलब अपना फ्यूल लिड खोलने का, यहाँ पे भी डबल डबल ऑप्शन है भाई इसमें। और किसी गाड़ी में अगर डबल ऑप्शन आता है तो वो भी आप कमेंट करके बता देना भाई, इसमें डबल ऑप्शन है, यहाँ से भी खुलती है, पीछे से मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप का ये जो ये मैंने आपको बता रखा माइक्रो हाइब्रिड इंजन है, क्योंकि भाई इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कर दिया है। गाड़ी अगर खड़ी रहती है जगह तो भाई अपना अगर आप अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, क्लच दबाओगे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई अब एक बार मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी का इंजन मतलब कितना बड़ा है और क्या क्या चीज़ है इसमें नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताता भाई, पहले ये ना 140 BHP में आती थी, ठीक है, अब इन लोगों ने इसकी भाई पावर कम कर दी है, सेम S11 में भी और S में भी, दोनों में सेम ही पावर है, 130 BHP का है। ठीक है, बस कॉस्मेटिक का फर्क है, इंजन वगैरह बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अगर आप S11 लेना चाह रहे हो, अगर आप 4.5-5 लाख एक्स्ट्रा फूकना चाह रहे हो तो आप उसमें फूक सकते हो, अदरवाइज अगर आपको लगता है भाई कॉस्मेटिक आप बाहर से करा सकते हो उसके लिए ओके हो तो भाई फिर S सबसे बेस्ट गाड़ी है। चलो मैं पहले आपको उसका इंजन और दिखा देता हूँ। भाई देखो इस गाड़ी में एक खासियत और है जो कि भाई अपने स्कॉर्पियो N में भी नहीं आती और X में भी 700 भी नहीं आती, सिर्फ ये आती है भाई क्लासिक में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखा भाई आपने, हाइड्रोलिक है भाई इसमें, हाइड्रोलिक जो भाई महिंद्रा भी किसी गाड़ी में दे रही, सिर्फ क्लासिक में दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये बहुत एक ही फीचर है इस गाड़ी में, हाइड्रोलिक्स देते हैं भाई इसमें। बाकी भाई ये देख लो इंजन इसका भाई, ये देखो। तो भाई ये जो आपने रंग बिरंगी तारे देख रहे हो ना, ये सिर्फ ये BS6 की वजह से। बाकी भाई इंजन देखो कितना बड़ा इंजन है यार इस गाड़ी का, देखो। तो भाई होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 2200 CC में गाड़ी आती है। ठीक है, तो ये है भाई इसका इंजन, डीजल इंजन है भाई अपना, 2.2 का है, मतलब 2200 CC का इंजन आता है। ठीक है, जो 130 BHP पावर प्रोड्यूस करता है। और तो भाई बाकी सब चीज़ मैंने इसमें कवर कर दी है, बाकी भाई देख लो बैटरी वगैरह इसमें यही है। अब भाई इसमें बात करते हैं इसकी मॉडिफिकेशंस की, तो वो लोग आप मेरे को बता देना भाई इस गाड़ी में कमेंट करके क्या क्या कराऊँ क्या क्या नहीं कराऊँ। ठीक है, सब लोगों को बता भाई क्या क्या इसमें क्या क्या मोड्स कराने के लायक है गाड़ी है। ठीक है यार, तो मैंने मतलब कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा विज़न नहीं है मेरा कि भाई ऐसी ही गाड़ी बनानी है फिलहाल, तो मतलब ये है कि भाई जाऊँगा मॉडिफिकेशन कराऊंगा, जो जो चीज़ समझ में आएगी वो करा लूँगा। बाकी भाई आप लोग मेरी हेल्प जरूर करना भाई। देखो अभी मैंने आपको दिखा दिया बिल्कुल बेस आती है, देखो स्टील रिम वगैरह है इसमें, कोई इसमें फॉग लैंप वगैरह नहीं आते, अंदर भी आपको सिखा दिया। तो आप लोग कमेंट करके बताओ भाई इसमें क्या क्या कराना चाहिए। ठीक है, तो बाकी भाई मैं इसकी मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ जल्दी, एक आध दिन में इसकी मैं मॉडिफिकेशन करा दूँगा। ठीक है, तो आप लोग भाई बने रहना मेरी मतलब मेरे चैनल पर, तो आप लोग कमेंट करके उस वीडियो में बता देना और इसमें क्या क्या कराऊँ। ठीक है, तो भाई अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा और यहाँ तक आपने देखा हो तो लाइक कमेंट करके जरूर जाना, चैनल पर नया आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। अगर भाई ऐसा आपको ना ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया व्लॉग आपको पसंद है ना गाड़ियों से रिलेटेड, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो। तो भाई इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे ट्यून्ड।